बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। अरे 11-11 आदमियों को दो लोगों ने दो दो दिन तक दौड़ाया। हाँ, इतना मार तो पुलिस थर्ड डिग्री में भी नहीं मारती। लेकिन कुछ भी बोलो यार, सचिन तेंदुलकर अमर हो गया। कैसे? देखो, लास्ट बॉल पे छक्का मारने की बात होती है ना, तो लोग जावेद मियांदाद के साथ चेतन शर्मा को भी याद कर लेते हैं। बस उसी तरह टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के ऑपोजिट गली के बच्चों जैसे पिट जाने वाली टीम के कैप्टन का जिक्र होता है तो लोग सचिन तेंदुलकर को याद करते हैं। हाँ, बेचारों को दो दिन तक इतना दौड़ाया कि वो लोग भूल गए कि लास्ट विकेट कब गिरा था और कौन आउट हुआ था। और बेचारा नयन मोंगिया विकेट के पीछे खड़ा रहकर ये भी भूल गया कि वो विकेट कीपर है या डोर कीपर। अरे बाप रे, चारों एक साथ बैठी है, कुछ गड़बड़ होगी। क्या है, क्या चल रहा है? शोक सभा चल रही है। किसकी? इंडियन क्रिकेट टीम की, श्रीलंका के हाथों धुलाई हुई उसकी। ऐसा लगता है कि रावत की मौत का बदला वो लोग अब हमसे ले रहे हैं। होता है, खेल में तो हार जीत होती रहती है। लेकिन डैड, यहाँ पर तो सिर्फ हार ही हार होती है। ऊपर से लोग इल्जाम लगाते हैं कि हमारी टीम के कुछ प्लेयर्स पैसे खाते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि हारने के लिए उन्हें कौन पैसे देगा जब वो मुफ्त में हारने के लिए बेताब है। अचानक तुम लोगों को ये क्रिकेट का बुखार कैसे चढ़ा? क्या है डैड, मेरा राहुल द्रविड़ पे दिल आ गया है। शाहरुख से दिल भर गया है क्या? अरे यार, आप समझते? इधर आइए डैड, इधर आइए। शाहरुख जी है ना, मेरी प्रेम कहानी में मेन लीड करें। राहुल द्रविड को तो मैंने सेकंड लीड के लिए कंसिडर किया है। स्वीटी, थर्ड लीड के लिए भी किसी को कंसिडर कर लेना। वो मेरा पति कर लेगा यार। बेटा, ऐसे लक्षण रहे ना तो तुझे अच्छा पति कभी नहीं मिलेगा। डोंट अंडर एस्टिमेट मी मॉम, आपके सास बनने के दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। क्या मतलब? मैंने ऐसा चक्कर चलाया कि मेरे हाथ पीले होने से कोई नहीं रोक सकता अभी। क्या किया तूने? आपने आज का पेपर नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा है, उसमें जयसूर्य और महानामा की महाकथा छपी है। इसके साथ एक सनसनी केस न्यूज भी छपी है। कौन सी? अरे पेपर का है, पेपर। अरे हटो। सॉरी, चलो पढ़ो। जरूरत है एक जीवन साथी की, स्वर्ग लोक की अप्सरा से भी सुंदर, परिलोक की शहजादी से भी सुशील कन्या को एक जीवन साथी अर्जेंट चाहिए। एज नो बार, कास्ट नो बार, चट मंगनी पट शादी में मानने वाले संपर्क करें। केयर ऑफ आनंद माथुर। आनंद साहब है। आनंद क्या पियेंगे? मम्मी, बूढ़े को सांस लेने दो। बार बार जैसे मेन्यू कार्ड लेके मत खड़े हो जाओ। चुप कर। बोलिए बड़ी भैया, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अजी यार, आज के पेपर का छपा हुआ इश्तिहार पढ़कर आया हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? घर से। वो तो हमें मालूम है, हमने कब कहा आप जेल से आए हैं। वो कहना चाहते कि आप कहाँ रहते हैं? मैं घर में रहता हूँ। मैं पुराने चावल, सब लोग घर में ही रहते हैं, कोई कबूतर खाने में नहीं रहता। तेरा पता क्या है बोल? मैं पेड़ रोड पे रहता हूँ। क्या कॉन्ट्रडिक्टरी बोलता है? पहले बोलता है कि मैं घर पे रहता हूँ, अब बोलता है कि मैं रोड पे रहता हूँ। बस बस, बोलिए क्या काम है आपका? बोलिए। मैं शादी की बात करने आया हूँ। आप अपने बेटे की शादी की बात करने आए हैं? जी नहीं। तो आपकी पोते की? नहीं 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 नहीं, मैं अपने शादी की बात करने आया हूँ। अबे ढक्कन, तेरे मुंह में आधे दांत नहीं, सर पर चांद निकल आया है, दोनों पैर कब्र के अंदर है, और तेरे को घोड़े पर चढ़ने का है, शर्म नहीं आती? मामा यार, शादी करने में शर्म काहे की? आप अपनी बेटी दिखाइएगा, मुझे पसंद आई तो आज ये रिश्ता पक्का करते हैं। अरे बड़े मियाँ, अपनी उम्र देखकर कुछ तो शर्म कीजिए। आपको क्या लगता है आपकी इस उम्र में हम अपनी चांद सी बेटी आपको दे देंगे? एक सेकंड मामा, राधिका के लिए मैं इस रिश्ते की कुर्बानी दे सकती हूँ। आप एक काम करिए। क्या? आप जाइए। नहीं अम्मा यार, ऐसे क्या करते हो, भगवान ने आपको इतनी बेटियां दे दी है, मेरे गरीब के लिए एक तो दान कर दो। अबे शाने, तो निकलता है कि नहीं कि तेरे को मौत के फरिश्तों के हवाले कर दो। मैं आपके बेटी को सर आंखों पर रखूंगा, पलकों पर रखूंगा। बुड्ढे,
गारंटी? तेरी आंखें कब बंद हो जाए उसका पता नहीं, तेरी पलकों की क्या गारंटी? मैं आपको सच्चे दिल से दुआ दूंगा। एक काम करो, आप यहाँ से जाओ, नहीं तो धक्के मार कर निकालना पड़ेगा आपको। एक बार फिर से सोच लो, मेरे जैसा दामाद आपको सूरज लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। अबे बूढ़े, और क्या हो गया? कैसे कैसे लोग चले आते हैं, अपनी उम्र का ख्याल भी नहीं करते। इसमें इसकी क्या गलती है? आपके लाडली बेटी ने इश्तेहार दिया था, कास्ट नो बार, एज नो बार। तब मुझे क्या पता था कि पिकली और चौकोबार जैसे दूल्हे में आ जाएंगे। ये घंटी तो आज इसी तरह बजती रहेगी। काश मेरी शादी की घंटी भी किसी के साथ बज जाए। या गाना नहीं। हेलो हेलो, आपका नाम? जी मैं तरुणी श्रॉफ हूँ। ये कौन है स्वीटी? लगता है जैकी श्रॉफ की रिश्तेदार है दादी। क्या बात कर रही है, जग्गू का रिश्तेदार अपुन के घर में क्या कर रहा है? जी नहीं, मैं जैकी श्रॉफ की कोई नहीं लगती, दरअसल मैं एक मैरिज ब्यूरो चलाती हूँ। हाँ, आपका एड पड़ा और मैम मेरे पास लड़कों का एकदम फ्रेश लॉट है, सोचा आपको दिखा दूँ। लड़कों का लॉट ऐसे बोल रही है जैसे बरसात के बाद गेहूँ बेचने निकली हो। बता तेरे पास क्या क्या है। हाँ देखिए, ए मेरे को भी बताना। देखो तो सही, गुलामी की जंजीर पहने बेताब लंगूर कैसे लगते। बोली, कब से सोच रहा था, इसने मुंह क्यों नहीं खोला? हटो हटो, मुझे भी देखने दो। वाओ, कितने हैंडसम हैंडसम लड़के हैं। बोलिए आपको कौन सा पसंद है? तरुणी जी, ये तो मिलिट्री कैंप के पास खड़े रहकर लाइन मारने जितना मुश्किल काम है। एक मिनट, एक मिनट, एक बात बताइए, आपको इसमें क्या फायदा है? कमीशन। अगर आपकी बेटी की शादी हुई तो आप हमें 5,000 रुपया देंगे और लड़के वालों की तरफ से हमें 5,000 रुपया मिलेंगे। 5,000? हाँ डैड, एकदम अंडरवर्ल्ड वाला हिसाब है, माँ भी एक जान लेने का 5,000 है, ये दो लोगों की वाट लगा रही है इसलिए 10,000, ठीक है? नहीं नहीं, अगर आपको कम लगे ना, अगर आपको कम लगे तो आप हमें ज्यादा दे सकती है, हम खुशी खुशी ले लेंगे। ये सब लड़के खानदानी तो है ना? बिल्कुल 100% गारंटीड आइटम है मैडम, जरा भी 19-20 हुआ ना तो पैसे वापस। मैडम हम लोग नुकसानी वाला आइटम नहीं रखते। या आइटम, आइटम क्या देते हैं, लड़कों को आइटम बोलते हैं। तो लड़कियों को क्या बोलते हैं? सैंपल। बोलिए आपके सैंपल के लिए कौन सा आइटम पसंद है? ये ठीक रहेगा। हाँ बहुत अच्छा है। नहीं नहीं माँ, ये मोटा मस्त है। हटो हटो, मुझे देखिए तू। नहीं, इसके चश्मे का नंबर बता रहा है कि इंटेलिजेंट है। यार एक सेकंड, शादी आप लोगों को नहीं मुझे करनी है, मैं चूज करूंगी लड़का। ये क्या समझ पड़ेगी डैडी, मैरिज ब्लाइंड खेलने जैसी बात है, किसी को जैकपॉट निकलता है तो कोई फिनिश हो जाता है। अब मैं ये एल्बम लूंगी, आंख बंद करूंगी और उंगली रखूंगी, जो निकला वो अपना। बेटे ये बेवकूफी है। डैडी बेवकूफी करना मेरी हॉबी है, हटो। ओके पद्म कुमार ऑफ पद्मावती नगर। पद्मावती नगर किधर है? होगा अमरावती के उधर। नहीं नहीं नहीं, ये आसाम के पास एक छोटी सी रियासत है। अगर आपकी बेटी का रिश्ता वहाँ हो गया तो आपकी बेटी राज करेगी, राज। हेलो, क्या ये? दौड़ो दौड़ो, स्वीटी फोन सुनकर बेहोश हो गई है। क्या हुआ? मैं खुशी के मारे बेहोश हो गई थी, कोई मुझे चिमटी काटो, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सपना है या हकीकत। इतना तू पढ़ी लिखी नहीं है क्या? चिमटी और चिमटे में फर्क नहीं जानती। तू मुझे पहले ये बता, तू बेहोश क्यों हुई थी? डैडी तरुणी जी का फोन आया था, प्रिंस को मेरी फोटो बहुत पसंद आई है, वो कल मुझे देखने आ रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? बीना, अब तो शहनाइयां बजेगी, ढोल बजेंगे और प्रिंस के डैडी आप पर लाइन मारते मारते गाएंगे, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। हाँ? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अगर तू तो इसी तरह बड़बड़ करती रही ना तो फिल्म कभी हिट
होगी। सुन, जल मत। और दादी, आपने ऐसे सड़ी हुई बंद गोभी जैसी शक्ल क्यों बनाई है? महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा। अब इसे कौन समझाएगा कि कितने रियासतों के प्रिंस आजादी मिलने के बाद ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। तुम जरा मेरे साथ आओ, वो प्रिंस इसको कल देखने के लिए आ रहा है। हमने तो कुछ तैयारी भी नहीं की। मैं भी ब्यूटी पार्लर जाती हूँ अपना थोड़ा ठीक करने। ओके बाय। और बिना चुपचाप सो जा। तू करवटें बदलती जो पलंग ऐसे हिलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं चलती ट्रेन में सो रहा हूँ। हमारी बेटी को प्रिंस देखने आ रहा है और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? अरे कौन सा प्रिंस चार्ल्स देखने आ रहा है? अगर प्रिंस को हमारी स्वीटी पसंद आ गई तो मैं हीरो नंबर वन के गोविंदा की तरह हाफ पैंट पहन के सड़क पे नाचूंगा। नाचने के लिए तो तवायफे आ जाएंगी। ये सोचो, प्रिंस ने अगर दहेज में हाथी घोड़े मांग लिए तो? हाथी घोड़े दे देंगे ना, दे देंगे। तुम किसी हाथी बेचने वाले को जानते हो? हाथी बेचने वाले को नहीं, लेकिन हम लोग मैसूर चले जाएंगे ना। अरे हाँ, वहाँ तो हाथी हमें सस्ते पड़ेंगे ना। बहुत सस्ते मिलते हैं वहाँ पे। वैसे अंदाजन हाथी का क्या भाव चल रहा है? हाथ देखो, मुझे सिर्फ चिकन का भाव मालूम है, 110 रुपए किलो। हाथी का भाव अभी तक निकाला नहीं मैंने। चुपचाप सो जा, हाथी का भाव पूछ रहे खड़ा। अरे हमारी तकदीर अच्छी है, देखो आजकल सोना भी सस्ता है। बेटी को देश में कितने तोला सोना दोगे? अरे प्रिंस है भाई, तोला तोड़ी किलो में देना पड़ेगा, समझे? हाँ, और कपड़े ना हम उसको कम देंगे। फैशन चला जाता तो कपड़े बेकार हो जाते। बेकार हो जाते हैं ना। उसके बदले ना हम उसको चांदी के बर्तन दे देंगे। चांदी के बर्तन दे देंगे ना, दे देंगे। वैसे शादी हम कहाँ रखेंगे? शादी हम लोग ताज में रखेंगे ना। वो छोटा नहीं पड़ेगा क्या? छोटा पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम लोग ब्रेबॉन स्टेडियम पे रखते हैं, नहीं तो महालक्ष्मी रेस कोर्स पे घोड़े पे। रेस कोर्स ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, ठीक। अगर बाई चांस प्रिंस हेलीकॉप्टर से आया तो हमें हेलीपैड बनाने में आसानी रहेगी ना। टॉप, बहुत हो गया सब। और कुछ बाकी है? अरे असली बात तो तुमसे पूछना ही भूल गई। और है कुछ बोली? ये सब के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे इसकी फिक्र तुम छोड़ो, फिक्र छोड़ो। अरे कैसे फिक्र नहीं करूँ, फिक्र तो करनी पड़ेगी, आखिर बेटी की माँ हूँ। वो तो है। लोग बोलेंगे देखो सौतेली है ना, बेटी का सारा बोझ बाप पर डाल दिया। बताओ ना तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं काजल को लेके जाऊंगा और 2-3 बैंक लूटूंगा। अरे क्या नहीं करेगा, सुना मुझे? ये क्या अरे जी बाबू, तुम हमारी बेटी को प्रिंस देखने के लिए आ रहे और तुम मुझे कह रहे सो जा। अरे जब आएगा तब देखा जाएगा। गुड नाइट। मैं ही सो जाता हूँ। ये गलिया ये एड़ी थोड़ी और एड़ी हो गई तो दुनिया कौन सी यहाँ से वहाँ हो जाएगी। टॉबी जाओ दरवाजा खोलो। ए, अब उनको तेरे बाप का नौकर समझाए क्या? तमीज से बात करो, महारानी से ऐसे बात किया तो हाथी के पैर के नीचे टॉबी समेत कुचलवा दूंगी। ठीक है लड़ो मत, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठहर जाओ, अगर हिस आईनेस ने तुम्हें पहले देख लिया तो हमारे घर के बारे में कुछ फलता ही समझेंगे। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे लोग? लगता है प्रिंस आए हैं। बेटी की शादी की भी क्या एक्साइटमेंट होती है, हथनी जैसी माँ हिरनी जैसी फुर्तीली हो जाती है। ए, कौन है तुम लोग? हम प्रिंस पदम कुमार के बॉडीगार्ड हैं। जस्ट इमेजिन, जिसके बॉडीगार्ड इतने हैंडसम हैं, वो प्रिंस कितना हैंडसम होगा। नमस्ते। अरे तरुणी जी, आप अकेली आई हैं? प्रिंस कहाँ है? इसकी जात को अमिताभ बच्चन जैसा शो ऑफ करके ये तो मुकरी एंटर हो रहा है। ये प्रिंस क्या बटाटे के खेत में पैदा हुए थे? कौन है ये पुश्ता? योर हाइनेस, ये कन्या के पिताजी हैं। बहुत काले हैं, हमारे खर्चे से अमेरिका बैठकर उसके थोपड़े की प्लास्टिक सर्जरी कराओ। जाओ इसी कहो अमेरिका जाकर खुद थोड़ा खींच कर आए।
आइए योर हाइनेस, पधारिए। अरुणी जी, ये दासी हमें बहुत पसंद आई, इन्हें मुंह में क्या दाम देकर खरीद लो, कल से हमारे महल में सेवा करेगी। अबे बेबी मिल्क के डब्बे, ये दासी लियाकत की माँ है। माँ सिंह जीजू, ये गुंडा यहाँ क्यों रह रहा है? योर हाइनेस, ये कन्या की बहन है। तो फिर कन्या कहाँ है? यहाँ है कन्या। बहुत सुंदर है, गुलाब के फूल जैसी, स्वर्ग की परी है तुझे, तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। मामा, he's so cute ना? स्वीटी, स्वीटी मेरी बात मान ले, ये प्रिंस नहीं है, ये कटपीस है, कटपीस। डैडी, अगर आप इनका बैंक बैलेंस देखेंगे ना, तो अमिताभ बच्चन भी इनके सामने नाटे नजर आएंगे। I like the boy and I like the girl. मासी, जीजू, जल्दी से हार दाओ, हम इस कन्या को अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। मैं भी तैयार हूँ। जल्दी से रोको काजल। इधर आ, चल कोई कोई बूढ़ी जल्दी आ। काजल, थमी से बात करो, ये तुम्हारे होने वाले जीजा जी हैं। चुप रहो। चलो चलो निकलो सब बाहर, वरना इतना बेलन मारूंगी कि सबके सर फूट जाएंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रहे हैं आप। ए शानी, अपने रिश्ते को लेकर इधर से जा, वरना इतनी ठोकर मारूंगा ना कि जिंदगी भर रास्ते पर पड़ी रहेगी। चलो चलो निकलो। खबरदार, अगर किसी ने भी प्रिंस की शान में गुस्ताखी की तो भून कर रख दूंगा। ए भूनने का इतना ही शौक है ना, तो मार्केट में एक भुट्टे का स्टॉल लगा दे, समझा ना। चलो अब हम ज्यादा पान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। अबे ओए, तू अगर बच्चों के स्विमिंग पूल में कूदेगा ना तो भी डूब जाएगा। प्रिंस, प्रिंस, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, प्लीज प्रिंस। नहीं महारानी, अभी मुझे जाने दो, पर एक पद्मावती नगर के बावी महाराजा की चैलेंज है, वो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ही रहेंगे। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई, जवानी पे रोए। अबे अनारकली की दुम, चुप बैठ। बेटे, हमने जो भी कुछ किया है वो तेरे भलाई के लिए किया है। हाँ, उसकी हाइट इतनी थी कि अगर वो तेरी आंखों में आंखें डाल के देखने जाता तो कैसा लगता पता है? एक छोटा सा बच्चा नारियल के पेड़ पे लगी पतंग को देख रहा है। अगर मैं बैठ जाती और वो झूले पे खड़ा हो जाता तो वो डेफिनेटली मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल सकता। नहीं बेटे, जब वो तेरे साथ बाजार में जाता तो कैसा लगता है पता है? मदारी के साथ बंदर जा रहा है। डैडी, जब आप मम्मी के साथ घूमने निकलते हो तो पता है कैसे लगता है? कोई सेठानी अपने बुलडॉग को घुमाने ले जा रही हो। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। हाँ। इतना अच्छा रिश्ता छोड़ दिया। अरे क्या बकवास कर रही है तू? अरे लोग कैसी कैसी बातें करते, कभी कैसी कैसी बातें करते, लोगों का तो काम ही है बातें करना। तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई थी तो लोग क्या क्या बातें कर रहे थे? क्या क्या बातें कर रहे थे? कह रहे थे अजब तेरी कुदरत, गजब तेरे खेल, चुचुंदर के सर में चमेली का तेल, और कोई तो यहाँ तक कह रहा था देखो देखो लंगूर को हूर मिल गई। हाँ मैंने भी सुना था। हेलो, क्या ओके किसका फोन था? मैं चुप रहूंगी। गा रहा है।
अरे सोचो रहमान का म्यूजिक कितना फेमस है। अच्छा? कुत्ते भी गाते हैं। लेकिन मुझे कुछ डर सा लग रहा है। तुम्हें तो हमेशा डर ही लगता है। सो जाओ चुपचाप। हाय। आजा। अभी आई। और सुन जल्दी आना और जितने घर में रोकड़ हो ना और जितना कहना हो सब बात के नीचे आ जा जल्दी। मैंने ले लिए। यो मेरी रानी आया। अरे ये तू घर से भाग रही है। अरे जागो जागो लड़की भाग रही है। मैं पहले मम्मी पापा को बाय बोलती हूँ वरना कहेंगे कि भागने से पहले बाय भी नहीं बोल के गई। वो तो समझती ही नहीं हो। देख शादी के बाद तो आशीर्वाद देने के लिए आना है। हाँ। चलो अभी बच्ची चलो चलो जाते हमारी तो राम मिलाई जोड़ी है। इन्हें लड़की नहीं मिलती और मुझे लड़का।